Hi guys, you're watching JT Jones. Don't forget to click on the red subscribe button. And by the way, click on the bell icon so that you receive daily notifications. तो इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि Realme 3i 360 वीडियो सपोर्ट करता है कि नहीं, क्योंकि यार मोस्ट ऑफ बजट फोन्स में जायरोस्कोप सेंसर प्रेजेंट नहीं होता, या सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है या हार्डवेयर बेस्ड होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि इसमें हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप सेंसर प्रेजेंट है कि नहीं, या आप 360 वीडियोस इसमें एंजॉय कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप 360 वीडियोस देखते हो, मैं तो नहीं देखता पर्सनली, पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 360 वीडियोस देखते हैं, और वैसे भी उसके बिना भी जायरोस्कोप सेंसर का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि इसमें जायरोस्कोप सेंसर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। तीनों सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लो, और याद रखना जैसे ये सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे मैं इस फोन का गिव अवे करने वाला हूँ। उसका वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो और वीडियो गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये वाला टेस्ट करना काफी आसान है, और मैं हमेशा ऐसे ही टेस्ट करता हूँ। कोई यूट्यूब वीडियो प्ले करता हूँ जो 360 वीडियो लिखा होता है, ठीक है, और उसी से चेक हो जाता है कि इसमें जायरोस्कोप सेंसर प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। जैसा मैंने ये प्ले कर रखा है एक्सपीरियंस द इल्यूसिव टाइगर रेसिंग एक्सटिंक्शन 360 वीडियो, ठीक है। इसे मैं अभी प्ले करता हूँ और घूम के देखता हूँ कि इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब दिख रहा है कि नहीं। और आप देख सकते हैं कि मैं इसे मूव कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी तरीके से 360 वीडियो भी मूव कर रहा है। तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने ब्राइटनेस बढ़ा लिया है, आपको अभी अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, और ये अच्छे तरीके से मूव कर रहा है। अब देखो, दिख रहा है, ये अच्छे तरीके से मूव कर रहा है। इससे हमें लगा अच्छे तरीके से अंदाजा लग जाता है कि जायरोस्कोप सेंसर जो है वो इस फोन में प्रेजेंट है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जायरोस्कोप सेंसर इस बजट में दे रखा है, और मेरे हिसाब से ये फिजिकल जायरोस्कोप सेंसर है, सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप सेंसर नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये फिजिकल ही हो सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर होता तो इतना अच्छी तरीके से एक्यूरेटली काम ना करता, ठीक है। ये फिजिकल जायरोस्कोप सेंसर ही मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, और आप 360 डिग्री वीडियोस भी देख सकते हैं, और आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पबजी में भी जायरोस्कोप सेंसर का काम होता है, मेरे को कंफर्म नहीं पता क्योंकि मैं पबजी खेलता नहीं हूँ। आप किसी पबजी एडिक्ट से ये बात पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। और आपने देख लिया कि इसमें जायरोस्कोप सेंसर प्रेजेंट है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, तो गेमिंग में प्रॉब्लम नहीं होने का और वीडियोस देखने में भी प्रॉब्लम नहीं होने का, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस बजट में भी कंपनी ने जायरोस्कोप सेंसर दे रखा है। तो थम्स अप टू रियलमी फॉर दैट। और अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक ले मैं जोन्स आप सभी से विदा लेता हूँ।